हेलो दोस्तों, भाइयों, सभी को मेरा राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिवा कुमार आप सभी को आप बता देना चाहता हूँ कि एक कहानी है मेरी। मैं बहुत दिन से सोचता था कि अपना किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोलूं, पर कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो आज एक पार्क में आया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा बोल सकूं और आप सभी को अपने थॉट के बारे में बता सकूं। तो मेरा थॉट कुछ ऐसा था जो हमारा इतिहास से लेकर हमारा फ्यूचर तक क्या होने वाला है और क्या हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशन थोड़ा आप लोगों से कर रहा हूं। और इस चीज के ऊपर थोड़ा कुछ गलती हो जाए तो माफ करना, बाकी मेरी कोशिश यही है कि मैं कितना अच्छा आप सभी को बता सकूं और कितना अच्छे से समझा सकूं। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। जैसा कि हम पुराने दौर में जाएंगे, अगर हमें सारी चीजों को, दुनिया को एक वीडियो के अंदर समझना है, तो किसी भी चीज को वीडियो के अंदर समझना है तो उसको पूरा जानना पड़ेगा, पूरा नहीं तो थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पे उसका उदाहरण तो मिलना ही चाहिए। तो उदाहरण एग्जाम्पल मिलेगा तभी हम चीजों को समझ पाएंगे, इसलिए मेरा सिर्फ ये वीडियो एक एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है। तो कोशिश करता हूँ कि कितने अच्छे से बता सकूँ। अब आते हैं फ्यूचर से लेकर और भविष्य, इतिहास तक। इतिहास फ्यूचर, हिस्ट्री फ्यूचर, हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर तक। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्यूचर को समझने के लिए इतिहास को समझना पड़ेगा, प्रेजेंट को समझने के लिए भी इतिहास को समझना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए इतिहास बहुत जरूरी हो जाता है समझने के लिए। तो हम इतिहास में जाएंगे तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि हमारा जो अभी तक का जीवन रहा है, उसमें सबसे पहले हम जाएंगे, आज चल रहा है कलयुग। कलयुग से पहले था द्वापर युग, द्वापर से पहले था त्रेता, त्रेता से पहले था सतयुग। सतयुग में जब हम जाएंगे तो सतयुग में समझने के लिए क्या था कि भगवान शिव, जो बहुत ही बलशाली थे और जिन्हें हम आज भगवान के तौर पर पूजा जाता है, और उनके कई नाम है, कई अवतार हैं, आप सभी जानते हैं। उनके बाद श्री राम जी की बात आ जाती है, जिन्होंने अपने मर्यादा में रहते हुए अपने कार्य करे। और उनके बाद भगवान कृष्ण की बात आ जाती है, जिन्होंने छोटे बचपन से लेकर अपने जीवन काल के अंदर महाभारत जैसी कथाएं गादी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कलयुग, और उससे भी पहले वो भगवान कृष्ण से कृष्ण के भगवान कृष्ण जी के बाद हम आते हैं भगवान बुद्ध पर। भगवान बुद्ध के बाद मुगलों पर, मुगलों के बाद हमारे कुछ राजाओं पर, और राजाओं के बाद अंग्रेजों पर, अंग्रेजों के बाद 1950 तक का दौर, और 1950 के बाद अभी तक का दौर 2024। तो अब यहाँ तक समझने के लिए सारी चीजों को एक वीडियो में समझना है तो सारी चीजों को डिटेल में समझना पड़ेगा, और डिटेल में समझने के लिए हमारे पास कोई ऐसी चीजें होती नहीं है जिसको हम डिटेल में समझ सके। तो डिटेल में ना समझ के हम किसी एक वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीजों को समझ ले तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो मेरा बस पर्पस यही है कि मैं एक वीडियो में एग्जाम्पल से आपको किस तरीके से सारी चीजों को समझा सकूं। तो अब आते हैं समझने के ऊपर। यहाँ पर समझना क्या है, दोबारा मैं उस चीज को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम जाएंगे सतयुग। सतयुग से भी पहले कहते हैं पाषाण युग। पाषाण युग, और जब आदिवासी, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कुछ नहीं था धरती पे, कीड़े मकोड़े से जिंदगी शुरू हुई थी, कीड़े मकोड़ों से हम लोग बने थे। धीरे धीरे चीजें बनी, धीरे धीरे प्रोसेस होता रहा और चीजें बदलती गई, और ऐसे ही चीजों का आविष्कार होता रहा और चीजें बढ़ती गई। ठीक है, बार बार मैं वापस यही आऊंगा इतिहास पर, और इतिहास से फिर हम फ्यूचर तक जाएंगे, इसीलिए बार बार इतिहास को समझेंगे, बार बार फ्यूचर में जाएंगे। ठीक है, इसको समझना ही ऐसे है
तभी हम कुछ समझ पाएंगे। तो अब वापस हम पाषाण युग में जाते हैं, जब कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो एक कहानी किसी बाबा से सुनी थी मैंने, वो मैं 7 दिन के लिए घर से गया था तपस्या करने, तप कह सकते हैं। तो मुझे जो समझ में आया था, एक बाबा ने एक कहानी बताई थी कि जब धरती लोग जीना सीख रहे थे ना, तो पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि करना क्या है। तो पेड़ से फल गिरा, आपने एक वो आइंस्टाइन की कहानी भी सुनी होगी, आइंस्टाइन थे कौन थे याद नहीं आ रहा मुझे, चलो छोड़ो। फिर पेड़ से एक फल गिरता है और उस फल को इंसान उठा के खाता है, और फिर समझ में आता है इंसान को कि हाँ हमें ये करना है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये चीज प्रोसेस बढ़ता रहता है, वो खाने लगता है चीजों को, समझता है और चीजें आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर वापस समझने की जरूरत है, हम वापस पाषाण युग में आ गए, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कि सबसे पहले आप शुरुआती दौर से सीखते हैं, कि सबसे पहले आपने सुना होगा, आप सबसे पहले अपने हाथ में ये पृथ्वी रख लो। अगर किसी चीज को समझना है, ये मान लो ये पांचों उंगली के ऊपर आप पृथ्वी है, ठीक है, जिसमें हवा है, सबसे पहले नीचे मिट्टी है, मिट्टी के नीचे पानी है, मिट्टी है, मिट्टी के नीचे पानी है, और उसके ऊपर हवा है, हवा के ऊपर बादल वगैरह हैं, और उसके ऊपर उसी में जीव रहते हैं, ठीक है। तो एक थ्योरी ये थी कि सभी, जहां तक मैंने काफी चीजें सुनी और पढ़ी, तो उसमें यही चीज, एक थ्योरी बार बार घूम फिर के यही थ्योरी हर जगह आ जा रही थी। तो उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में होता क्या है कि एक विस्फोट होता है गैलेक्सी के अंदर, ब्रह्मांड में, जो कुछ तत्व तो आपस में मिलते हैं जिनसे जीवों का निर्माण होता है, यानी कि हम लोग, ठीक है। उनका कहना ये है। तो अब हमारा भी कुछ ऐसा ही है, कि ऐसा ही अगर भगवान ने भी, मेरे मन में आज भी एक सवाल उठता है कि अगर हमें भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया है, ठीक है। आप सबके मन में सवाल उठता होगा, तो कमेंट में जरूर इस चीज को लिखें। फिर अब हम आते हैं कि वापस चीजों को समझना है, तो वापस पाषाण युग में आते हैं। जीव सबसे पहले एक कहानी थी जीवों का निर्माण कैसे हुआ। जीवों का निर्माण विस्फोट जब हुआ, जल में कुछ तत्व मिले आपस में, और उस जल से कुछ सूड़े टाइप के कीड़े पैदा हुए, जो बैक्टीरिया, और उन्हीं बैक्टीरियाओं से जीवों का निर्माण होता चला गया। सबसे पहले एक जीव था जिसका नाम था जिसे आज के दौर में भी सूड़ा कहा जाता है, सूअर रेंगने वाला होता है, और वो रेंगता है जो उस टाइम में होता क्या था ना, उनकी आंख होती थी। जब पहली बार जीव बना, पहली बार जीव बना, तो पानी से बनने के बाद उसके अंदर ना आंख थी, ना पेट था, ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो एक पोल पोल की तरह था, जिसके अंदर वो सिर्फ रेंग सकता था वो जमीनों पे बस। जब वो पानी में बना, पानी के बाद कई पानी में और भी जीव बने होंगे हालांकि, फिर जब पानी में बनने के बाद वो रेंगने लगा, रेंग के बाहर गया, तो धीरे धीरे आंखों का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे कानों का आविष्कार हुआ, हाथ का आविष्कार हुआ, पैरों का हुआ, और ऐसे धीरे धीरे जीव जंतुओं का आविष्कार होता रहा। और जब ये चीजें होती रही और जीव जंतु का आविष्कार होता रहा कई तरीके के, धीरे धीरे मनुष्य भी बनते रहे, और मनुष्य मनुष्य का कोई प्रमाण नहीं है ऐसा कि ऐसा ही हुआ होगा, पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये थ्योरी भी उसी से मिल उन सब चीजों से मिलती जुलती है। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि चलो ये अब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो इतना ही समझना बहुत है कि एक बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग विस्फोट हुआ, जिसके कारण जल से कुछ तत्व बने, जिसमें जीव
बनते गए और जीव धरती पे आते गए और चीजों को समझते गए, चीजों को समझते समझते उनके अंदर दिमाग भी आया और आज वो जीव इंसान के तौर पर काम कर रहा है, जो AI तक बना सकता है, खुद की मशीनें बना सकता है वो। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब आते हैं भगवान शिव। भगवान शिव जो आदि अनादि सब है, मेरा नाम भी शिवा है और मुझे इस नाम पर बहुत गर्व है कि मेरा नाम शिवा है। मुझे बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलती है इस नाम से, और मुझे लगता है कि हर जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं अगर शिवा नाम रखेंगे, क्योंकि अब इतिहास बन चुका है, अब इतिहास बन चुका है तो शिवा नाम का बहुत बड़ा महत्व है। तो शिवा का महत्व इतना बड़ा है कि कोई भी शिवा नाम रखेगा तो ऑटोमेटिक ही उसके अंदर वो चीजें आती रहेगी। शिवा तो शिवा अपने आप में ब्रह्मांड है, तो शिवा के आगे तो कुछ भी नहीं है भाई। पर मैं जिन शिवा की बात कर रहा हूँ वो शिवा तो सतयुग में थे, पर उनसे और जो वाकई में शिवा है, जो ब्रह्मांड है पूरे, तो वो शिवा उनकी तो बात ही अलग है। अब यहाँ पर सबसे पहले शिव, अब यहीं से समझने की जरूरत है। पाषाण युग को समझ लो, पाषाण युग के बाद भगवान शिव को समझ लो, शिवा को समझ लो, शिव को समझ लो, उसके बाद रावण को थोड़ा समझो, रावण के बाद राम को समझो, राम के बाद कृष्ण को समझो, कृष्ण के बाद बुद्ध को समझो, बुद्ध के बाद तो मुगलों को समझो, जो बाहर देश से आते थे, इधर उधर से जो आसपास के क्षेत्र होते थे वहां से आते थे। जब सऊदी अरब में कुछ नहीं होता था तो मुगल तो वहीं से आए थे अधिकतर लोग, और बाद में फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज को समझो थोड़ा। फिर वो ये था कि विकसित देश आज भी जर्मनी, इटली और फ्रांस, लंदन, ये है ठीक है, क्योंकि यही लोग पहले आए थे भारत के अंदर और जो सारी चीजें लूट के ले गए थे। फिर इसके बाद आते हैं 1950 तक इनका ये सब था। उसके बाद टेलीविजन समझो कैसे बना, रेडियो कैसे बना, उसके बाद फोन कैसे बना, और फोन के बाद चीजों को सॉन्ग्स कैसे बने और ऐसे धीरे कंप्यूटर कैसे बना, लैपटॉप कैसे बना। और आज देखो 2000 ज्यादा टाइम नहीं हुआ इन चीजों को, 2015 2010 तक टच फोन शुरू हो चुके थे आना, और टच तो और पहले था पर हाँ यही 2007-08, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें बनती रही, चीजें होती रही। आज 2024 हो गई है, 2024 में आप देख सकते हो AI का जमाना है, जो AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, और आप देख सकते हो कि ये दौर कहाँ जाने वाला है, इन फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या रहेगा। अब इनको समझना बहुत जरूरी है। पहले जमीन से कि जमीन को पाषाण युग में किसी को मतलब नहीं होता था, धीरे धीरे पत्थर से अब चीजें लोगों ने सीखी, पत्थर के बाद फूल पत्ते, फूल पत्ते पत्थर से पहले फूल पत्ते के बाद पत्थर, पत्थर के बाद लकड़ियां, लकड़ियों के बाद सीमेंट पत्थर, वो से घर बनाना, फिर उसके बाद जमीनों को अपना राज्य बनाना, फिर धीरे धीरे राज्य स्तंभ करना, फिर वही चीजें चलती आई। फिर 1950 तक ये सब चला, लास्ट 1950 तक था, और फिर धीरे धीरे भारत के लोग भी विकसित हुए, भारत के लोगों ने भी चीजों को समझना शुरू करा और यहाँ भी चीजें बनती चली गई, और आज 2024 ठीक है, इन फ्यूचर जिनके पास जमीन है वो कुछ है, वरना जिनके पास वो भी नहीं है। और आज हमारा ये दौर हो गया है कि लोग सिर्फ सरकार, सिर्फ जो भी सरकार आती है सीट पर बैठती है उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। ये हर किसी के साथ है, हर सरकारों के साथ आती है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ सरकारों को आए हुए। सरकार मतलब कोई भगवान नहीं है, सरकार का मतलब
कुछ समय के लिए प्रशासन आई है, वो काम कर रही है अपना, तुम अपना काम करो। ये चीजें हैं। अब यहाँ पर आगे समझने की बात यह है कि एक मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि आज लोगों को जो इस्तेमाल किया जाता है, आपने कोरोना काल में देखा होगा कि लोगों का किस तरीके से ऑर्गेन्स निकाल लिया जाता था और उनको जिंदा मार दिया जाता था। ये सिर्फ कोरोना काल की बात नहीं थी, वो तो एक इत्तेफाक कह सकते हैं कि ऐसा युग आया जो भगवान ने सब कुछ लोगों को दिखाया, ठीक है, और इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। ये कब से चला आ रहा है, तो जिसके हाथ में शक्तियां होती है, जिसके हाथ में पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए अपनी मत और अपनी अपने दिमाग से काम करें, किसी के बहकावे में ना।